अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एडीबी कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से दानियाल नासिर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में अपडेट करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में बनने वाला एक शानदार प्रोजेक्ट बहरिया स्काई, जो 7.5 कनाल पर मुश्तमिल 16 स्टोरी की हाईएस्ट बिल्डिंग बन रही है। और इसकी फास्ट ट्रैक होती कंस्ट्रक्शन देखकर डेवलपर जो है यहाँ पे फॉरिंग में तमाम तर सब के सब हैरान हैं, और यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट कितनी सब के सब सेटिस्फाइड हैं। बहरिया स्काई की इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट्स के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों हैं, जबकि सराउंडिंग में डिफरेंट डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खसूसन हम बात करेंगे अगर कंपेरिजन किया जाए इसका टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशियल जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में, आप जैसे ही एंटर होते हैं 160 फीट मेन बुलेवार्ड पर रहते हुए लेफ्ट साइड पर पहले आर्ट कमर्शियल जो आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल की बिल्डिंग जो है बन रही है। और 85% यहाँ पे ग्रेस सिस्टर का जो काम है वो कंप्लीट भी कर दिया गया है, तकरीबन जो है नीडेड टू कंप्लीशन ही है एक हिसाब से। और मजीद यहाँ पे अगर बात की जाए इसके डेवलपर के हवाले से, तो वेल नोन डेवलपर शेयरों वाला ग्रुप है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है तो यहाँ पर जितनी भी इन्वेंट्री थी तकरीबन 80-90% जो है यहाँ पे सोल्ड है। तकरीबन 2.5 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, लेकिन अभी रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80-90% यहाँ पर इन्वेंट्री सोल्ड है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल की बात की जाए तो बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपने कमर्शियल यूनिट्स दिए थे, और सेकंड बाकी में जितने फ्लोर्स हैं यहाँ पे टोटल 10 स्टोरी ये बिल्डिंग है, तो बाकी फ्लोर पे जो आपको अपार्टमेंट्स 1 बेड 2 बेड और पेंट हाउसेस। तो कमर्शियल्स पहले स्टार्ट में सेल होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है अपार्टमेंट्स की बढ़ गई 1 बेड 2 बेड, और फिर उसके बाद पेंट हाउसेज की काफ़ी बड़ी तादाद में जो है इन्वेंट्री सेल हो गई। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, सिटी प्रॉपर्टीज़ की खिदमत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके भी रजिस्टर्ड ऑथोराइज डीलर्स हैं। इसी के साथ साथ बहरिया स्काई की बात की जाए, बहरिया स्काई जहाँ पे अगर मैं आपको रेट्स का भी अभी कंपेरिजन करके बताऊँगा कि टाइम स्क्वायर मॉल में क्या रेट्स चल रहे हैं और बहरिया स्काई में क्या रेट्स हैं, और यहाँ पे कंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद यहाँ पे डेवलपर के हवाले से, और यहाँ पे मजीद इसके सराउंडिंग में पोटेंशियल के हवाले से, यहाँ पर कमर्शियल हब के हवाले से बात करेंगे। इट्स बहरिया स्काई की कंसेशन की बात करते हैं कि इन्होंने सेल ही तब ओपन की थी मार्केट में जब इन्होंने कंसेशन स्टार्ट की थी, बल्कि होता ये कि डिफरेंट डेवलपर्स हैं यहाँ पर मार्केट में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये होता है कि पहले सेल ओपन की जाती है जब 6 माह या 8 माह या 10 माह या मैक्सिमम 1 साल की जो है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में फंड्स चले जाते हैं डेवलपर के पास, तब जाकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है बैकएंड में डेवलपर की तरफ से। लेकिन ऑजिट डेवलपर जो बहरिया स्काई के डेवलपर्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा ये इनिशिएट लिया कि यहाँ पर जो है पहले इन्होंने सेल ही तब ओपन की जब यहाँ पर इसकी पहले दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो माशाल्लाह उस दिन से लेकर तब से अब तक की अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो माशाल्लाह बहुत ही फास्ट ट्रैक पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, जैसा कि आप वीडियो में मनाजिर भी देख रहे होंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पर इनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड की अगर बात की जाए, तो इन्होंने ना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है कि मतलब कि बेसमेंट का जो काम है वो इस टाइम पीरियड तक हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी स्टेप बाय स्टेप बाकी फ्लोर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके मुताबिक बकौल डेवलपर जो है यहाँ पर काम इनका माशाल्लाह इतनी फास्ट ट्रैक पर कि इन्होंने अपने शेड्यूल के मुताबिक भी जो है 6 से 7 दिन भी अपने शेड्यूल के मुताबिक आ गए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपर का जो विजन है एक मतलब डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे आपको 100% श्योर है कि आपको टाइम से जो है डिलीवर कर दिया जाएगा ये प्रोजेक्ट। बाकी मतलब कि होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो है जिसमें जारी बात है, जब आपने 10-15 मरला का भी कोई प्लाजा बनाना उस पर भी आपको कोई 1 से 1.5 साल का जो है टाइम लग जाता है, ये फिर भी तकरीबन 7.5 के नाम पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट है। तो लेकिन फिर भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है 6 से 7 दिन आ गए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको टाइम ये डिलीवर करेंगे। मजीद आपके जो कंसर्न है उसके हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहूँगा बहरिया स्काई के, कि यहाँ पर आपको मैंने आपके रेट्स के हवाले से बताया कि टाइम स्क्वायर मॉल में क्या रेट्स हैं और यहाँ पे क्या रेट्स हैं, उसके वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा। टाइम स्क्वायर मॉल में व्यूअर्स आपको जैसा कि पता है कि 2-2.5 साल हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए, तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा जो है इसके प्राइसेज जो है वो भी रिवाइज कर दी गई हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज भी देखने को मिलता है। और जिन लोगों ने उस टाइम पर बाई की थी यहाँ पे टाइम स्क्वायर मॉल की, जब यहाँ पे एक भी ईंट नहीं लगी थी, आज वो काफ़ी माशाल्लाह प्रॉफिट में है, काफ़ी एप्रिसिएशन भी इस प्रोजेक्ट में आ चुकी हुई है, और मजीद जो है आगे आने वाले टाइम में आएगी जब तक यहाँ पे पोजेशन नहीं दिया जाता, जब तक यहाँ पे बिजनेसेस रन नहीं होते। रेट यहाँ पे तकरीबन ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए, जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग यहाँ पे शॉप्स हैं उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है व्यूअर्स तकरीबन 60,000 है। और यहाँ पे अगर बात की जाए बहरिया स्काई की, बहरिया स्काई में आपको मेन बुलेवार्ड फेसिंग जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स मिलती हैं उसका जो नेट एरिया पे रेट मैं आपको व्यूअर्स बता रहा हूँ, नेट एरिया पे रेट तकरीबन यहाँ पे 43,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। और अगर मेन की बैक की जो शॉप्स हैं उनकी बात की जाए, तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर मॉल में 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, और बहरिया स्काई की बात की जाए तो बहरिया स्काई में आपको 35,000 या 40,000 के इन बिटवीन इसके अराउंड जो है आपको रेट मिलता है पर स्क्वायर फीट रेट। जी टाइम स्क्वायर की बात की जाए यहाँ पे अवेलेबिलिटी की, यहाँ पे अगर कोई बायर आता है हम आज की मार्केट में,
तो उसको ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर आपको रीसेल में ऑप्शन मिलेगी, ना कि ओपन फॉर्म में। ओपन फॉर्म से मुराद ये है कि आप फर्स्ट अलॉटमेंट होती है, आपके नाम होती है, उसमें आपको ना ही कोई ट्रांसफर फी पे करनी पड़ती है और ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बहर स्काई में अभी ओपन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री मौजूद है। उसमें से भी जो टॉप लोकेशन की थी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सब की बेस पर जो है बुक हो चुकी हुई है। तो अभी भी हमारे पास सिटी प्रॉपर्टीज के पास अपनी होल्डिंग मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम से जो है डिसीजन कर लें, अगर आप चाहते हैं कि टॉप लोकेशन की आपको कोई ना कोई शॉप मिल जाए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे फौरी रब्ता करें। मजीद व्यूअर्स, टाइम्स स्क्वायर मॉल का मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रेट्स के हवाले से। उसके बाद अपार्टमेंट्स की व्यूअर्स बात कीजिए, अपार्टमेंट्स वहाँ पे वन बेड का अपार्टमेंट जो है तकरीबन 75 लाख का हो चुका हुआ है। और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब 43 लाख का था। मतलब कि 2-2.5 साल में इतनी ज़्यादा यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिली है अपार्टमेंट्स में भी। तो इसी तरह बहर स्काई के अपार्टमेंट्स की रेट्स की बात कीजिए, पर स्क्वायर फीट रेट तकरीबन आपको बहर स्काई में अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड का 15,500 पर स्क्वायर फीट रेट देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको टाइम स्क्वायर का बताया तकरीबन 17,500 पर स्क्वायर फीट रेट है, उसके मुताबिक आपको मैंने 75 लाख जो है रेट इसका बताया। जैसा कि फिर आपको मैंने रेट्स के हवाले से भी बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें बहर स्काई के पोटेंशियल के हवाले से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है, वो उसकी वजह सबसे पहले जो हमारे माइंड में आती है, वो सबसे पहले जो लॉजिकल रीज़न भी है, एक पॉइंट है, वो ये कि इसकी फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन है। बैरिक हिस्ट्री में ये पहले डेवलपर है जिन्होंने 900 क्यूबिक मीटर का जो काम है राफ पोरिंग का, वो इन्होंने किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीड्स के इनकी जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो बहुत ही कमाल की है। वीड्स यहाँ पे 24/7 अगर इनको इजाज़त मिले ये 24/7 भी काम करें, क्योंकि कुछ रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है बैरिक की पॉलिसी के मुताबिक इनको चलना पड़ता है। तो वीड्स मजीद आपको मैंने बता दी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से। इसके अलावा वीड्स मैंने आपको बताया प्राइसेस के हवाले से, प्राइसेस यहाँ पे 28 फेब जो है लास्ट डेट थी प्री लॉन्च प्राइसेस की, जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर की रेट्स के इंक्रीज होने के हवाले से थी। तो जैसा कि हमने कमिटमेंट की थी तमाम अपने वैल्यूड कस्टमर्स के साथ कि यहाँ पे 28 फेब के बाद प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो जी व्यूअर्स ऐसा ही हुआ। 28 फेब के बाद यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज कर देगी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे सेल देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें कि अब प्री लॉन्च प्राइसेस की कहाँ पे अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो जी व्यूअर्स प्री लॉन्च प्राइसेस की स्टिल सिटी प्रॉपर्टीज के पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, लेकिन वो भी आपको थर्ड फ्लोर पे देखने को मिलेगी जहां पे आईटी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये फ्लोर जो है डेडिकेट किया गया। यहां पे आपको तमाम तरह यहां पे चीजें जो है आईटी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। इसमें भी लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल एक्सेसरी इस तरह की तमाम तरह चीजें रिपेयरिंग के तौर पर जो है आपकी यूज हो रही होती है, वो तमाम तरह चीजें जो है आपको थर्ड फ्लोर पर आईटी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पे जो फ्लोर है यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस तरह की आप जानते हैं कि हफीज सेंटर या हॉल रोड जाते हैं वहां पर आपको एक प्रॉपर जो एक मार्केट है आईटी से रिलेटेड देखने को मिलती है। वहां पर तमाम तरह चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट मुताबिक होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसी तरह यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, बल्कि इसके सराउंडिंग में ऐसी कोई मार्केट इस्टेब्लिश नहीं है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर इस तरह का कमर्शियल हब देखने को मिले और उसके अंदर जो है आपको एक प्रॉपर मार्केट देखने को मिले जहाँ पे आप अपनी तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी कर सकें। यहाँ पे जितनी भी रेजिडेंट्स मौजूद है, बल्कि रायवन रोड पर अगर बात की जाए अडप रोड इंटरचेंज से लेकर रायवन सिटी तक, इसके इन बिटवीन बल्कि इसके सराउंडिंग में जितने भी एरिया हैं यहाँ पर, वहाँ पर इस तरह की कोई ऐसी मार्केट इस्टेब्लिश नहीं है। तो उनकी नीड पूरी करने के लिए यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको ये जो मार्केट बना के दी जा रही है यहाँ पे वो तमाम तरह अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोग पूरी करेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको प्री लॉन्च प्राइसेस के हवाले से बताया है कि थर्ड फ्लोर जो है आईटी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं और इसकी जो रेट्स हैं वो 31 मई से इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो अगर आप प्री लॉन्च प्राइसेस में रहते हुए कोई ना कोई शॉप बुक करवाना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इसके बारे में स्टडी करें, मजीद इन्फॉर्मेशन लें। मजीद आपके माइंड में इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। और मजीद ये कि अगर आप एक दफ़ा लोकेशन विजिट कर लें, क्योंकि आप एक हद तक जो है वीडियो के जरिए या फिर पिक्स के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर आप खुद जाकर लाइव विजिट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा और आपको डिसीजन लेने में भी ज़रा आसानी होगी। तो मजीद व्यूअर्स, आज की वीडियो के हवाले से कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम के व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।